तो हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का प्रश्नावली 2.2 आज हम देखने वाले हैं। 2.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्या है दी गई संख्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 1/4 - 1। तो हम क्या करेंगे, हल दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या इसको मान लेंगे? देखिए अल्फा प्लस बीटा किसको मानेंगे? 1/4 को। किसको मानेंगे? 1/4 को। और अल्फा बीटा किसको मानेंगे? अल्फा बीटा इक्वल टू -1। तो देखिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ax स्क्वायर तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, या लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, के को हम क्या मान सकते हैं, के को हम के इक्वल टू ए आप मान लीजिएगा, क्योंकि के आपका एक अचर पद है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा देखिए इस पे हम क्या रखेंगे, -1/4। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए को माइनस ए अपान 4 लिख सकते हैं। देखिए ए आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखिए के बराबर ए माने हैं, तो हम के बराबर 4 मान सकते हैं ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, सी बाई ए अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो देखिए सी बाई ए आपका क्या दिया है, अल्फा बीटा इक्वल टू देखिए -1 दिया है, तो हम क्या करेंगे -1 लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ए को क्या मानेंगे, देखिए ए इक्वल टू ए को क्या मानेंगे, देखिए ए आपका क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। और बी को हम क्या मानेंगे, बी इक्वल टू देखिए बी के स्थान पर माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, तो माइनस के यानी -4। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का क्या है, 1/4, क्या कर लेंगे, इनटू में 1/4। और देखिए आपका सी बराबर क्या दिया है, सी बराबर देखिए सी बराबर आपका दिया है -1। और देखिए अल्फा बीटा बराबर क्या, देखिए देखिए के तो आपका देख लीजिए, मान लीजिए के आपका क्या है, 4 है, के आपका क्या है, 4 है, और अल्फा बीटा क्या है, -1 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए के को 4 लिख लेंगे, अल्फा बीटा क्या है आपका -1। तो आप इसको जरूर याद, इसको देखिए ये आपको याद होना एकदम जरूरी है कि आपका अचर पद है, के स्थान पर हम ए मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ax स्क्वायर होगा, यहाँ पे bx होगा, यहाँ पे cx होगा। तो हम देखिए के को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ठीक। और देखिए ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 4, बी बराबर देखिए बी बराबर कितना होगा, -1, और सी बराबर कितना होगा, सी बराबर -4। तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण। देखिए एकदम शॉर्ट तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, कोई टीचर आपको ऐसे नहीं पढ़ा सकता है, एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। तो देखिए द्विघात समीकरण, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमको देखिए ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, 4। देखिए ए बराबर क्या दिया है, 4 एक्स स्क्वायर। अब बी बराबर क्या दिया है, देखिए बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर आपका देखिए ए बराबर 4, बी बराबर -1, तो आपका क्या होगा, बी बराबर माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस एक्स।
और देखिए c बराबर माइनस फोर है, तो देखिए c के जगह क्या लिखेंगे, माइनस फोर, क्या लिखेंगे, माइनस फोर। तो आपका यह है द्विघात समीकरण, देखिए यह द्विघात समीकरण आपका आ गया, ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है, क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमने माना अल्फा प्लस बीटा बराबर वन अपान फोर और अल्फा बीटा बराबर माइनस वन, यानी आपको एकदम आसानी से सिखाने के लिए। उसके बाद हमने क्या मान लिया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, ए के स्थान पर के लिख दिया, बी के स्थान पर माइनस के लिख दिया, सी के स्थान पर के अल्फा बीटा लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। देखिए अल्फा, देखिए हम देख अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, आपने सूत्र पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए माइनस वन अपान फोर, इसको हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए सी बाई ए को हम, सी बाई ए अल्फा बीटा क्या दिया है, अल्फा बीटा क्या दिया है, माइनस वन दिया है। तो हमने क्या किया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे ए बराबर हमने क्या लिया, देखिए ए बराबर, देखिए मान लीजिए माइनस बी बाई ए है तो माइनस वन बाई फोर है, तो फोर आपका ए में गया ना, ए में, तो ए बराबर हमने फोर मान लिया। उसके बाद देखिए बी बराबर, बी बराबर देखिए यहाँ पे माइनस फोर किस तरफ आया, देखिए आपका माइनस फोर इसलिए आया क्योंकि देखिए के आपने के माना था, के देखिए यहाँ पे के है, तो आपने के तो माना था ना, तो के स्क्वायर टू आपका क्या होता है, ए होता है, एक अचर पद है, तो के बराबर फोर। तो हमने यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस के है तो हमने के स्थान पर माइनस फोर रख दिया, और इंटू मान लिया अल्फा प्लस बीटा वन अपन फोर दिया था, वन अपन फोर लिख दिया। उसके बाद देखिए सी के स्थान पर सी इक्वल टू फोर गुणे माइनस वन, तो देखिए देखिए सी आपका क्या है, के था, के बराबर कितना था फोर, तो फोर फोर इंटू माइनस वन, तो सी बराबर माइनस फोर। हमने क्या द्विघात समीकरण लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, दूसरा पे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कड़ी में टू, क्या दिया है, कड़ी में टू, और अल्फा बीटा इक्वल टू देखिए क्या दिया है, वन अपॉन थ्री, क्या दिया है, वन अपॉन थ्री। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, तब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ठीक। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए फिर लिखिएगा आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू, इसमें से आप क्या क्या देखिए, इसमें से आप के कामन ले लेंगे, क्या करेंगे, के कामन ले लेंगे, जब कामन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस अल्फा बीटा, ठीक। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जब हम इसको करेंगे, जब इसको हम करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान में इसको हम यहाँ लाएंगे, यानी के इक्वल टू देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा कॉलिंग में टू एक्स, और अल्फा बीटा क्या दिया, वन अपान थ्री, देखिए अल्फा बीटा प्लस वन अपान थ्री आपका यह हो जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, के आपका क्या है, के आपका देखिए के लिखेंगे के एक अचर पद, के एक अचर पद है, क्या लिखेंगे के एक अचर पद है। तो हम के को क्या देखिए, नहीं नहीं अब यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, देखिए फिर इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए थ्री दिया है तो मान लीजिए थ्री तो आपका ये है ना, हम थ्री को क्या करेंगे ए के स्थान पर लिखेंगे, बी के स्थान पर लिखना है अभी, तो देखिए थ्री को हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री थ्री। के आपका क्या है, के एक अचर पद है, तब के इक्वल टू थ्री, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या बनेगा, देखिए थ्री से थ्री, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कॉलम में टू एक्स माइनस प्लस में वन होगा, क्या होगा वन, तो आपका द्विघात समीकरण क्या होगा ये होगा। तो देखिए हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉलम में टू और अल्फा बीटा इक्वल टू वन अपॉन थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने क्या लिखा है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, उसके बाद हम के को यहाँ पर स्थानांतर किए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपन के इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया है कड़ी में टू, तो हम कड़ी में टू एक्स लिखे प्लस वन अपान थ्री, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान के, देखिए आपको के बराबर आपके क्या है थ्री है, क्या थ्री, तो देखिए जब थ्री है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, देखिए इसके स्थान पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कड़ी में टू एक्स प्लस वन अपान थ्री, उसके बाद के एक अचर पद है तब के बराबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए के बराबर जब हम थ्री को रखेंगे तो हमारा सेम कलर होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कड़ी में टू एक्स प्लस वन, तो आपका ये आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर भाग दो में आएगा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।